नमस्कार, मैं प्रिया। आज 20 नवंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। होमगार्ड की शुरू होगी बहाली प्रक्रिया। बिहार की पुरानी सड़क परियोजनाओं को लेकर एनटीपीसी तैयार। कृषि कानून पर पुनर्विचार करे सरकार। बिहार के बेटे को गूगल से मिला ऑफर। कृषि कानून की वापसी के साथ ही राजद ने बांटे लड्डू। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में होमगार्ड की शुरू होगी बहाली प्रक्रिया। बिहार में जल्द ही होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हैरानी की बात यह है कि आवेदन जमा करने के 11 साल बाद होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर होने वाली दौड़ और अन्य शारीरिक जांच में राज्य भर में लाखों अभ्यर्थी हिस्सा लेने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को इस बाबत पत्र भेजकर इसके लिए एनरोलमेंट बनाने का आदेश जारी कर दिया है। इस बाबत एडीजी पुलिस मुख्यालय JS गंगवार ने भागलपुर सहित सभी जिलों के SP को निर्देश दे दिया है। बता दें कि साल 2011 में होमगार्ड में भर्ती के लिए अंतिम विज्ञापन प्रकाशित हुआ था और उसी आधार पर लाखों युवाओं से आवेदन की मांग की गई थी। हालांकि अभी तक सिर्फ 14 जिलों ने ही गृह रक्षकों का एनरोलमेंट करवाया है। पहचान में हम बात करेंगे रामकमल चौधरी की। रामकमल चौधरी का जन्म उत्तर बिहार में मुरलीगंज के समीपवर्ती गांव रामपुर हवेली में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मनिंद्र नारायण चौधरी था, लेकिन स्नेह से लोग उन्हें फूल बाबू कहकर पुकारा करते थे। बचपन के आरंभिक दिनों में उनकी मां त्रिवेणी देवी का असामयिक निधन हो गया। छोटे मनिंद्र को अपनी मां के आंचल की कमी का गहरा प्रभाव पड़ा। उनका शुरुआती बचपन उनके पैतृक गांव महिषी में गुजरा। राजकमल चौधरी हिंदी और मैथिली के प्रसिद्ध कवि और कहानीकार थे। मैथिली में स्वरगंधा कविता, राजकमल लक आदि कविता संग्रह, एकटा चंपाकली, एकटा विषधर तथा आदि कथा, फूल पत्थर और आंदोलन उनके चर्चित उपन्यास है। हिंदी में उनकी संपूर्ण कविताएं भी प्रकाशित हो चुकी है। बिहार में सरकारी स्कूल पर बढ़ रहा है लोगों का भरोसा। बिहार में सरकारी स्कूल का नाम आते ही बदहाल शिक्षा व्यवस्था आपके जहन में घूमने लगेगा। हालांकि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का ये नहीं मानना है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में जारी किए गए एक रिपोर्ट का हवाला दिया है और बताया है कि बिहार के सरकारी स्कूल में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन में पिछले एक साल में 3.6% की वृद्धि हुई है। स्वाभाविक रूप से अभी जो रिपोर्ट आई है, यह सरकार और शिक्षा विभाग के लिए अच्छी खबर है कि सरकारी स्कूल में दाखिला लेने वालों की संख्या बढ़ी है। कुछ मायनों में बच्चे या अभिभावक निजी स्कूल की तुलना में सरकारी स्कूल पर ही भरोसा करने लगे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि हम इसका स्वागत करते हैं और हम अपने विभाग के सभी विद्यालयों महाविद्यालयों से जुड़े सभी शिक्षा कर्मियों को शुभकामनाएं देते हैं। आएंगे कई देशों के राजदूत। आज बोधगया मंदिर सलाहकार परिषद की उच्चस्तरीय बैठक में हिस्सा बनने विभिन्न देश विदेश के सदस्य प्रतिनिधि बिहार आने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार बोधगया मंदिर सलाहकार परिषद की बैठक में भूटान दूतावास के राजदूत, थाईलैंड दूतावास के राजदूत, श्रीलंका के उच्चायोग, म्यांमार दूतावास के राजदूत, दक्षिण कोरिया के राजदूत, वियतनाम के राजदूत, कम्बोडिया के राजदूत, विशेष सचिव सिक्किम सरकार, सचिव पर्यटन मंत्रालय, बिहार सरकार सहित अन्य गणमान्य प्रतिनिधि के भाग लेने की संभावना है। बैठक में भाग लेने वाले गणमान्य अतिथियों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु जिला प्रशासन गया द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। अब आइए जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। सूबे में जैसे जैसे दिसंबर की तरफ दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और इस बीच कम दबाव की वजह से कई इलाकों में बादल भी छाए रह सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से मिली जानकारी के मुताबिक इन दिनों अरब सागर पर बने कम दबाव का क्षेत्र बिहार झारखंड होते हुए उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। इसका असर राज्य के मौसम पर देखने को मिलेगा, जिसके प्रभाव से पटना गया समेत बिहार के कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने के साथ ही रात के तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। पटना मेट्रो को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम के बीच 1.4 किलोमीटर लंबे टनल का निर्माण की जिम्मेदारी पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिल सकती है। टनल निर्माण में विशेषज्ञता रखने की प्रक्रिया से राज्य सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी इस पर विचार विमर्श कर रही है। चूंकि इस टनल का रास्ता बेली रोड पर पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को भी क्रॉस करेगा, इसलिए किसी तरह की तकनीकी दिक्कत से बचने के लिए भी पटना मेट्रो को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मिली जानकारी के अनुसार यह टनल पटना म्यूजियम परिसर से शुरू होकर अंडरग्राउंड होते हुए विद्यापति मार्ग, तारामंडल, आयकर, गोलंबर, पटना वुमेन्स कॉलेज होते हुए बिहार म्यूजियम के परिसर में निकलनी है। यह सिंगल टनल 3 मीटर ऊंची और 3 मीटर चौड़ी होगी। एक साथ 3 जिलों में सीओ के ठिकानों पर पड़ी रेड।
बिहार में इन दिनों आय से अधिक धन कुबेरों की जानकारी निकल करके लगातार सामने आ रही है, जिससे बिहार के सरकारी अधिकारी किस तरह से आय से अधिक संपत्ति बना रहे हैं इसका खुलासा हो रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से आय से अधिक संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने भोजपुर के कोइलवर के तत्कालीन अंचलाधिकारी अनुज कुमार के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। साथ ही ईओयू ने पटना, नवादा और गया में एक साथ छापेमारी की, जिसमें कई बातों का खुलासा भी हुआ है। अब ऑटोमेटिक मशीन बताएगी आपकी गाड़ी की लाइफ। बिहार में वाहनों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत बिहार में परिवहन विभाग की मंत्री शीला कुमारी ने जानकारी देते हुए कहा है कि अब से बिहार में व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस की जांच ऑटोमेटिक मशीन से होने वाली है। वाहनों के ब्रेक, क्लच से लेकर अन्य सभी तय मानकों की ऑटोमेटिक जांच होगी। जांच केंद्र खोलने के लिए निजी क्षेत्रों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 15 दिसंबर 2021 तक इच्छुक आवेदक राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय विश्वेश्वरैया भवन में आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके लिए राज्य परिवहन आयुक्त बिहार को राष्ट्रीयकरण प्राधिकार नियुक्त किया गया है। नगर निगम में काम करने वाले कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। सफाई कर्मियों की मांग के बीच पटना नगर निगम ने बड़ी खुशखबरी दी है, जिसके तहत निगम ने अपने 4300 कर्मियों के वेतन को बढ़ाने का फैसला किया है। पटना के महापौर सीता साहू की अध्यक्षता में इसको लेकर विशेष बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें नगर आयुक्त के साथ सशक्त समिति के सदस्य के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि सफाई कर्मियों की मांग पर वेतन वृद्धि की जा रही है। इसके लिए महापौर की अध्यक्षता में कर्मचारी यूनियन के मनोनीत सदस्य और नगर निगम पदाधिकारी और स्थायी समिति के सदस्यों के साथ कमेटी का निर्माण किया जाएगा। कमेटी द्वारा 15 दिनों के अंदर प्रस्ताव दिया जाएगा, जिसके बाद कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय होगा। पटना के गोलघर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार में इन दिनों पर्यटन को जोर शोर से बढ़ावा देने का काम बिहार सरकार कर रही है। यही कारण है कि जब भी आप बिहार भ्रमण करने आएंगे तो यहां आपको घूमने के लिहाज से एक बेहतरीन पर्यटन स्थल जरूर मिलेंगे। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे ही पर्यटन स्थल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इतिहास के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और वो जगह है राजधानी पटना का गोलघर। पटना की राजधानी शहर में गोलघर बिहार में एक प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसके आधार पर शिलालेख के अनुसार गोलघर का निर्माण अनाज को भंडारित करने के इरादे से किया गया था। अपने विशेष प्रकार की वास्तु प्रकृति के अलावा गोलघर गंगा के पीछे से पूरे शहर का सुंदर नजारा भी प्रस्तुत करता है। बिहार के जिले में लगेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मॉड्यूलर ई टॉयलेट। बिहार में शौचालय निर्माण बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना और स्वच्छ भारत मिशन का एक प्रमुख पार्ट है। यही कारण है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिहार में कई स्थानों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मॉड्यूलर ई टॉयलेट लगाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि इन दिनों जोर शोर से स्मार्ट सिटी परियोजना चलाने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत राजधानी पटना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 16 स्थानों पर 42 मॉड्यूलर ई टॉयलेट लगाए जाने हैं। सबसे खास बात यह है कि यह मॉड्यूलर टॉयलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा और पानी के फ्लश की ऑटोमेटिक व्यवस्था होगी। टॉयलेट में सेंसर लगे होंगे, जो टॉयलेट यूज करने के बाद ऑटोमेटिक काम करेंगे और पानी का फ्लश होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इस परियोजना को शामिल किया गया है। बिहार के बेटे को गूगल से मिला शानदार ऑफर। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जिसका प्रमाण आपको समय समय पर देखने को मिल सकता है। इसी का प्रमाण अब बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले शुभम ने दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आईआईटी बिहटा में थर्ड ईयर के छात्र शुभम ने बिहार का नाम रोशन किया है। शुभम को कैंपस सिलेक्शन में गूगल ने 80 लाख रूपए सालाना का पैकेज दिया है। शुभम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सतीश प्रसाद सिंह के भाई श्रीधर प्रसाद के पोते हैं। उनके पिता सुशील कुशवाहा पॉलिटिशियन और बिल्डर हैं। शुभम की मां सीमा सिंह गृहिणी हैं। ज्ञात हो शुभम का परिवार मूल रूप से खगड़िया के पसराहा का रहने वाला है। फिलहाल सभी लोग पटना में रहते हैं। वहीं इस खबर के आने से शुभम के घर परिवार में खुशी देखने को मिल रही है। रेल सह सड़क पुल की दक्षिणी लेन इस तारीख से होगी बंद। उत्तर प्रदेश समेत राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी जिले को राजधानी पटना से जोड़ने और लाइफलाइन मानी जाने वाली कोइलवर की अब्दुल बारी पुल के दक्षिणी लेन पर 43 दिनों तक मरम्मत का काम चलने वाला है। इसके कारण आवागमन बंद होगा। मिली जानकारी के अनुसार भोजपुर जिला प्रशासन द्वारा रेलवे को दिए गए आदेश के अनुसार पूरी तरह से जर्जर हो चुके पुराने पुल के दक्षिणी लेन में 25 नवंबर से लेकर अगले साल 6 जनवरी तक मरम्मती का काम किया जाएगा। इस योजना से बिहार में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को प्रतिमाह मिलेगा 500 रुपए। सीएम नीतीश ने साल 2019 में ही बिहार के बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत की थी, जिससे कि बिहार के 60 साल या इससे अधिक आयु के बुजुर्ग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत बिहार के 60 से 79 साल के वृद्धजनों को आर्थिक सहायता के रूप में सरकार की तरफ से 400 रुपए प्रति महीने पेंशन देने का काम किया जाता है। वहीं 80 साल या इससे अधिक आयु वाले बुजुर्गों को हर महीने पेंशन के तौर पर 500 रुपए की सहायता भी दी
दी जाती है। हालांकि ध्यान रहे, इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आपको बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। इसके साथ ही आपकी 60 साल की आयु पूरी होनी चाहिए, बशर्ते आप रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए। बिहार के पुरानी सड़क परियोजनाओं को लेकर एनटीपीसी तैयार। एनटीपीसी और सड़क निर्माण एजेंसी के बीच सड़क परियोजनाओं में थर्मल पावर यूनिट के फ्लाई ऐश का इस्तेमाल बड़े स्तर पर सड़क की सतह को तैयार किए जाने में होना चाहिए या नहीं, इसको लेकर निर्णय लिया गया है। इसको लेकर इस मसले पर एनटीपीसी और सड़क निर्माण एजेंसी के बीच सहमति बन गई है। हालांकि इससे पहले फ्लाई ऐश को लेकर सड़क निर्माण कंपनियों और एनटीपीसी के बीच विवाद चल रहा था। एनटीपीसी का कहना था कि सड़क निर्माण कंपनी अपने परिवहन खर्चे पर फ्लाई ऐश को उत्पादन इकाई परिसर से ले जाए। काफी दिनों से इस मामले को लेकर गतिरोध था, जिसके बाद अब फैसला ले लिया गया है, जिसके बाद ही अब बिहार में मुख्य रूप से एनएच के निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग हो रहा है। पटना जंक्शन की बदलेगी सूरत। पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम आने वाले समय में और ज्यादा रफ्तार पकड़ने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार इस साल के अंत तक कई प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें विभिन्न सड़क मार्गों से पटना रेलवे जंक्शन का कनेक्शन, अंडरग्राउंड सबवे मल्टी पार्किंग के ऊपर से फ्लाईओवर कनेक्शन और बुद्ध स्मृति मल्टी पार्किंग के ऊपर कैफेटेरिया बनाने आदि का काम पूरा किया जाएगा। इनमें कई योजनाओं की निर्माण एजेंसी फाइनल हो गई है, जबकि कई योजनाओं की डीपीआर तैयार करने का काम हो रहा है। सभी योजनाओं को एक साथ देखें तो अधिकतम 2 से 3 साल में अधिकांश प्रोजेक्ट पूरे होने की उम्मीद है, जिससे पटना जंक्शन के साथ जाम हटने और आवागमन आसान होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार के 4 पद्मश्री हस्तियों को किया सम्मानित। बिहार के 4 पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हस्तियों को एक साथ एक मंच पर सम्मानित किया गया, जो कि बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किया। इस दौरान उन्होंने चारों पद्मश्री विजेताओं को मधुबनी पेंटिंग और छापा कला में पद्मश्री प्राप्त इन हस्तियों को अंगवस्त्र और मधुबनी पेंटिंग की कलाकृतियां भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये बिहार के लिए अत्यंत गौरव और ऐतिहासिक पल है। मेरे लिए भी ये बड़ा सौभाग्य है कि एक मंच पर एक साथ 4 पद्मश्री हस्तियों को सम्मानित करने का मौका मिला है। कृषि कानून पर पुनर्विचार करे सरकार। बीते दिन किसानों के हित में बड़ा दिन था, क्योंकि उनके पिछले एक साल की मेहनत रंग लाई और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया। सरकार के इस फैसले से जहां एक तरफ किसान और विपक्ष खुश है, वहीं बिहार के कृषि मंत्री ने अनोखी मांग कर दी है, जिसके तहत बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि किसान का बेटा होने के नाते हम तो यही कहते हैं कि ये कानून किसानों के हित में थे, इससे किसानों को काफी फायदा होता। यहां तक कि बिहार के किसानों ने इन कानूनों को स्वीकार कर लिया था। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से इस कानून पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। अब बिहार भाजपा टीवी डिबेट में पैनलिस्ट को देगी प्राथमिकता। बिहार भाजपा ने प्रवक्ताओं के पावर में कटौती करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अब टीवी डिबेट में मीडिया पैनलिस्ट को आगे करने का फरमान जारी किया गया है। पहले प्रवक्ताओं को इस काम के लिए आगे किया जाता था, लेकिन अब मीडिया पैनलिस्ट इस काम को करने वाली है। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह मीडिया इंचार्ज की तरफ से ये पत्र जारी किया गया है। हालांकि पत्र जारी होने के बाद भाजपा के कई प्रवक्ताओं ने अपरोक्ष रूप से विरोध जताया है, क्योंकि नए फरमान से प्रवक्ताओं को अब हर कदम मीडिया इंचार्ज से पूछकर बढ़ाना होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने हाल ही में उपाध्यक्ष राजीव रंजन को मीडिया इंचार्ज बनाया है। प्रवक्ताओं और मीडिया प्रभारियों के इंचार्ज बनने के बाद राजीव रंजन लगातार नए नए फरमान जारी कर रहे हैं। दिल्ली से पटना पहुंचते ही सीएम नीतीश ने सबको ठीक करने की कही बात। हाल ही में सीएम नीतीश राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, जिसके बाद ही वो बीते दिन वापस राजधानी पटना लौट आए हैं। वहीं पटना पहुंचते ही उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बस कुछ लोगों के कारण गड़बड़ियां सामने आ रही है, लेकिन उन्हें जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। दिल्ली से आंख का इलाज करवाकर लौटे नीतीश कुमार ने पटना एयरपोर्ट पर यह भी कहा कि शराबबंदी कानून जब से लागू किया गया है, उसकी कड़ाई से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने पीएम मोदी की तरफ से कृषि कानून को वापस लिए जाने की बात पर कहा कि जिन लोगों ने इस कानून लागू किया था, उन लोगों ने इसे वापस ले लिया है, यही सबसे बड़ी बात है। कृषि कानून की वापसी के साथ ही राजद ने बांटे लड्डू। बीते दिन किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि ना झुकने का नाम लेने वाली मोदी सरकार की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद क्या था, सिंघू बॉर्डर टीकरी बॉर्डर पर जमे किसानों के बीच खुशी की लहर तो दौड़ी ही, साथ ही साथ बिहार में भी कृषि कानून रद्द करने की मांग पर रहे पार्टियों ने जश्न मनाया। इसको लेकर बीते दिन राजद कार्यालय में लड्डू बांटे गए, साथ ही ढोल नगाड़े संग खुशी से नाच गाना भी हुआ। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले पर राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे लंबे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक किसान सत्याग्रह के सफल होने पर बधाई।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। कलकत्ता में बोस अनुसंधान संस्थान की 1917 में स्थापना आज के दिन हुई थी। भास्कर उपग्रह को 1981 में आज के दिन छोड़ा गया था। पीवी सिंधु ने 2016 में चाइना ओपन सुपर सीरीज के फाइनल में चीन की सुन यू को 3 गेम तक चले मुकाबले में हराकर पहला सुपर सीरीज खिताब अपने नाम किया था। एक भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान बबीता फोगाट का जन्म 1989 में आज के दिन हुआ था। भारत की प्रसिद्ध कवित्री निर्मला ठाकुर का निधन 2014 में आज के दिन हुआ था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रिय रंजन दास मुंशी का निधन 2017 में आज के दिन हुआ था। रोहित राहुल की सुपरहिट जोड़ी ने मचाया धमाल। रांची में खेले गए दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। टॉस हार कर पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड टीम 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाने में कामयाब हुई थी। ग्लेन फिलिप्स 34 टॉप स्कोरर रहे थे। वहीं भारत की तरफ से हर्षल पटेल ने 2 विकेट लिए। 154 रनों के टारगेट को रोहित और कंपनी ने 17.2 ओवर के खेल में 3 विकेट के नुकसान पर बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर लिया। टीम की जीत में KL राहुल ने 65 रन मारे और कप्तान रोहित शर्मा ने 55 रनों की बेहतरीन पारी खेली। भारत फिलहाल सीरीज में 2-0 से आगे है और सीरीज का आखिरी मुकाबला 21 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा। दिखेगा मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स के बल्ले का जादू। दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने सभी तरह के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उनके इस फैसले का मतलब ये हुआ कि अब वो इंटरनेशनल मैच तो नहीं खेलेंगे, साथ ही साथ वो अब IPL में भी नहीं दिखेंगे। घोषणा के साथ ही उन्होंने संन्यास लेने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पूरी टीम के साथ ही विराट कोहली को शुक्रिया कहा है। एबी डिविलियर्स ने लिखा है, RCB के लिए खेलते हुए मैंने लंबा समय बिताया। इस साल मैंने फ्रेंचाइजी के लिए 11 साल पूरे किए और अब लड़कों को छोड़ना बहुत दुखदायी है। बेशक इस निर्णय पर पहुंचने के लिए बहुत समय लगा, लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैंने संन्यास लेने और अपने परिवार के साथ समय बिताने का फैसला किया है। इंस्टाग्राम पर अब स्केड्यूल कर सकते हैं लाइव। इंस्टाग्राम के शानदार फीचर्स में से एक स्केड्यूल फीचर है। इस फीचर के जरिए आप लाइव वीडियो को स्केड्यूल कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव स्ट्रीम स्केड्यूल करने के लिए 90 दिन का समय मिलता है और तय समय से पहले अन्य यूजर को लाइव स्ट्रीम का रिमाइंडर भी मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐप ओपन करें, लेफ्ट स्वाइप करके कैमरा ओपन करें। कैमरा ओपन होने के बाद नीचे की तरफ राइट स्वाइप करके लाइव ऑप्शन को चुनें। यहां आपको स्केड्यूल का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। यहां लाइव वीडियो का टाइटल डालकर समय और तारीख चुनें। इसके बाद अपनी लाइव वीडियो की स्ट्रीम स्केड्यूल आप आसानी से कर सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सागर भारती, रंजीत सिंह, मनीष मोहरा, पंकज कुमार दास, अरविंद कुमार, कुश कुमार यादव, विजय भारतीय, शंकर मुखिया, माही आनंद, राजीव कुमार, गौतम कुमार, सुगीबत कराकाट, कुलवंत सिंह, करमजीत बाबू। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले से किसानों को फायदा होगा या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।